सही से राहुल, सही से पेटी में से मधुमक्खियों के शहद की ट्रे हल्के से निकालो, जैसे मैंने हाथ में पकड़ रखी है वैसे हल्के से, नहीं तो ये मधुमक्खी अगर भड़क गई तो बहुत बुरा हाल कर देंगी। सही से निकालो। मोदी जी, जब से आपने मधुमक्खियों से शहद बनाने का धंधा शुरू किया है तब से मैं आपके यहाँ पे मजदूरी कर रहा हूँ, और पता नहीं ये मधुमक्खी मुझे कितनी बार ये बहुत बुरी तरीके से डंक मारती है। लेकिन मोदी जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये शहद इतना ज्यादा मीठा क्यों होता है? राहुल, ये तो मीठा होता है बस कुदरती, लेकिन देखो इस ट्री में तो मधुमक्खियों ने शहद बनाया ही नहीं है जो मेरे हाथ में ट्री है। ये मधुमक्खियों से शहद बनाने का व्यापार भी बिल्कुल ठंडा होता जा रहा है। पहले एक दिन में ये मधुमक्खी कम से कम 10-10 किलो शहद बना देती थी, लेकिन आजकल ये मधुमक्खी मुश्किल से 1 किलो शहद बना पाती हैं। मोदी जी, ये मधुमक्खी फूलों से रस चूसती हैं, और फूलों का भी तो सीजन चला गया, मैंने तो यही सुना है। आपके नजर में और कोई बात हो तो आप बताओ। लानू जी, आप भी बेतुकी बात करती हो, मेरी नजर में क्या बात होगी, फूलों से ही रस चूसती है ये मधुमक्खी। हाँ, तुम्हारी इस बात का समर्थन करता हूँ मैं, आजकल फूलों का सीजन चला गया इसीलिए ये ज्यादा शहद नहीं बना पा रही है मधुमक्खी। अखिलेश, तुम कैसे चुप खड़े हो? तुम्हारी ट्रे में कितना शहद है बताओ, फिर शहद को निकालना चाहे। मोदी जी, मेरी इस ट्रे में भी बिल्कुल शहद नहीं है, आज मधुमक्खियों ने शहद बनाया ही नहीं है। मोदी जी, एक बात और मैं कह देता हूँ, कल से काम पे नहीं आऊंगा, मैं कितनी बार कह चुका हूँ, मुझे एक हेलमेट मंगा दो। केजरीवाल भी तो शहद का व्यापार करते हैं, उन्होंने सब मजदूरों को हेलमेट ला के दे दिए जिससे कि मधुमक्खी उनके सर पर कहीं पे भी डंक नहीं मारती है। मोदी जी, अखिलेश बिल्कुल सही कह रहा है, एक हेलमेट तो आपको लाकर देना ही पड़ेगा। अरे एक तो ये मधुमक्खी बड़ा शरारती होती है, जगह जगह डंक मारती रहती है, और डंक मारेंगी भी क्यों नहीं, अपना लोग इनका शहद भी तो ले लेती हो, इसीलिए आप एक हेलमेट ला के दे दो हम तीनों लोगों को, फिर ये मधुमक्खी हमारे कम से कम सर पे तो डंक नहीं मारेंगी। राहुल, तुम तीनों लोग काम बहुत कम करते हो और बातें बहुत ज्यादा करते हो। अब ये देखो, मेरे हाथ में भी तो मधुमक्खियों की ट्री है, मैं तो कोई हेलमेट पहना हुआ नहीं हूँ। एक तो ये मधुमक्खी वैसी शहद नहीं बना रही है ज्यादा, ऊपर से तुम्हें हेलमेट चाहिए। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।